सब्सक्राइब करें टेक सर्वाइवल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे व्हाट्सअप गाइस, तो फ्रेंड्स यहां पर ना मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं Redmi 5 डिवाइस को लेकर। यार यहां पर ना काफ़ी यूजर्स इनके ऐसे भी हैं Redmi 5 डिवाइस के जो कि मुझे काफ़ी कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर नेक्स्ट जो अपडेट है वो कौन सी देखने को मिलेगी और उसके साथ हमें क्या यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड है वो देखने को मिलेगा या नहीं, या उसके साथ हमें फेस अनलॉक देखने को मिलेगा या नहीं, या उसके साथ हमें कुछ नया देखने को मिलेगा इस अपडेट में या नहीं, या कब तक ये जो अपडेट है ये देखने को मिलेगी। तो यार यहाँ पर ना मैं डिटेल के साथ आज इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि आपको नेक्स्ट जो स्टेबल अपडेट है वो कौन सी देखने को मिलेगी और उसके साथ पोर्ट्रेट मोड या फेस अनलॉक आपको देखने को मिलेगा या नहीं, या अगर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनमें तो क्या आपको ये सब कुछ देखने को मिलेगा या नहीं। तो यार अगर तो वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो यार क्योंकि आप लोग अगर लाइक कर देते हो ना तो वीडियो को काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिल जाता है न्यू वीडियो बनाने में, तो लाइक यार ज़रूर कर दिया करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए इंट्रो प्लीज़। तो यार यहाँ पर ना बात कर लेते हैं पिछली अपडेट को लेकर जो कि हमारे लिए पिछली अपडेट रही है MIUI 10.2.1.0 की, मतलब कि यहाँ पर अपडेट रही है, मतलब यहाँ पर काफ़ी मतलब कि अपडेट तो रही है, मतलब यहाँ पर उसमें बग वगैरह भी काफ़ी देखने को मिले। अगर यहाँ पर मतलब मैं बात कर लूँ कुछ ऐसे मतलब एप्लीकेशन की जो कि वर्क करती हुई रुक जाती थी और उसके साथ यहाँ पर बैटरी रनिंग इशू भी काफ़ी डिवाइसेस में आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ना इसलिए जो यूज़र्स हैं वो ये भी बोल रहे हैं कि भाई हमें यहाँ पर कोई न्यू स्टेबल अपडेट देखने को मिलनी चाहिए, और यहाँ पर ज़्यादातर जो स्टेबल अपडेट के बारे में बात हो रही है वो ज़्यादा रूमर्स आ रहे हैं। मैं फ्रेंड्स आपको ये पहले ही बता दूँ ये कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, बाद में आप मुझे ऐसा मत बोलिएगा कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन गलत दे दी, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स आ रहे हैं। तो भाई मैं आपको बता दूं जो नेक्स्ट स्टेबल अपडेट है वो हिसाब से होने वाली है 2.3.0 की, या फिर हो सकती है अगर डायरेक्ट 2.4.0 पर भी ले जाते हैं तो यहाँ पर हमें 2.3.0 की या फिर 2.4.0 की, हमें इन दोनों में से कोई भी एक अपडेट देखने को मिल जाएगी। तो भाई यहाँ पर अब बात आ जाती है कि ये जो अपडेट है ये आपको कब तक देखने को मिलेगी। तो भाई ये जो अपडेट है ये आपको देखने को मिल सकती है एक मंथ में भी देखने को मिल सकती है, डेढ़ मंथ में भी देखने को मिल सकती है। भाई इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगी कि भाई आपको ये जो अपडेट है ये कब तक कितने वीक में देखने को मिलेगी, कितने मंथ में देखने को मिलेगी, मगर यहाँ पर ओपिनियन कुछ ऐसा बताता है कि आपको एक मंथ या डेढ़ मंथ तो अभी भी लग जाएगा इस अपडेट को आने में, क्योंकि यहाँ पर जो Xiaomi है वो काफ़ी सुस्त हो गया है अपने अपडेट्स के बारे में, तो यहाँ पर भाई आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और उसके बाद यार यहाँ पर बात कर लेते हैं पोर्ट्रेट मोड को लेकर। तो यार पोर्ट्रेट मोड हालांकि हमारे लिए कन्फर्म तो है, मतलब देखने को तो मिलेगा, मगर यहाँ पर इस अपडेट में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर यार हमारे लिए जब भी कोई न्यू फीचर आता है तो वो बीटा में आता है, अभी तक तो यार बीटा में हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिला ही नहीं है, तो डायरेक्ट स्टेबल में हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो यार इसलिए मैंने उस पर एक कल वीडियो भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं जाकर, मैं ऊपर जो आई कार्ड है उसमें भी मैं एक वीडियो जो है वो रख दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा आराम से। तो यार उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता दूं अगर फेस अनलॉक के बारे में आप सवाल करते हैं कि भाई फेस अनलॉक आपको देखने को मिलेगा या नहीं, तो यार इसके बारे में मैं आपको सेम ही कहना चाहूँगा कि आपको जो बीटा अपडेट है वो अभी तक बीटा अपडेट में नहीं देखने को मिला, तो यहाँ पर आपको स्टेबल में डायरेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ ये जो अपडेट है इसमें आपको थोड़े बहुत बग फिक्स वगैरह या बैटरी या ट्रेनिंग इशू या ऐसे बग फिक्स वगैरह सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाएंगे, हो सकता है आपको कुछ छोटे मोटे फीचर्स भी इसमें देखने को मिल जाएँ, मतलब कि यहाँ पर कोई बड़े फीचर्स जो हैं वो देखने को आपको कन्फर्म नहीं है कि आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो यार फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगर तो यार वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि न्यू आने वाली अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।